नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा और मैं हूं मुबारक। हम हैं इस वक्त महाराष्ट्र के बीड शहर में। इससे पहले हम लातूर में थे और उससे पहले थे सोलापुर में। अब हम बीड में हैं। बीड का ये KSK कॉलेज है। यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे हम बातें करेंगे। और जब हम लातूर में थे, हमने देखा कि वहाँ पानी की सबसे भयानक समस्या थी। KSK के स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनके यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं। सर, आपका क्या नाम है? शेख सर, शेख अमजद। शेख सर, आप इस कॉलेज में काम करते हैं? हाँ, मैं इस कॉलेज में काम करता हूँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा, तो यहाँ बच्चों का क्या रिएक्शन है आने वाले चुनाव के लिए? क्या वो उत्सुक है, वोट करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं? तो उत्सुक तो है ना, वोट करना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। आपके पास कोई आके कहता है? कुछ ऐसी बातें होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो एडमिन से लोग होते हैं उनसे बच्चे चुनाव को लेकर बात नहीं करते। तो क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन रहा कि कोई बच्चे कह रहे कि यार हम इनको वोट देंगे या इस पार्टी के लिए हम कैंपेन करना चाहते? क्या बच्चे किसी कैंपेनिंग का या किसी चीज़ का हिस्सा खुद होकर बनते हैं? हाँ, एक्चुअली बच्चे आके थोड़ा सा डिस्कस, बेसिकली डिस्कस तो करते हैं बच्चे आके। अच्छा, कि अन्ना साहब इधर अभी भाजपा में चले गए, हम अन्ना साहब के पीछे से, अन्ना साहब जा जाएंगे हम उनके पीछे से, उनके साथ में से, ऐसा बेसिकली डिस्कस तो बच्चे करते हैं। अच्छा। हाँ। आप बीड के ही रहने वाले हैं? हाँ, प्रॉपर। क्या समस्या है आपके शहर की, आपके लोकसभा क्षेत्र की? समस्या तो जस्ट लाइक मैं अभी आपको समस्या क्या बोल सकूँगा, कुछ तो होगा। जैसे लातूर में हम वहाँ गए, वहाँ पानी की बहुत भयानक समस्या थी। कुछ बच्चे थे जिन्हें स्कॉलरशिप टाइम से नहीं मिल रही थी, उनकी समस्या थी। कुछ महिलाओं से मिले जिन्हें सरकारी योजनाओं का पता ही नहीं था। यहाँ पे कैसी चीज़ें हैं? अभी तो तीन जो समस्या बताया तुमने पानी का, जी इवन यहाँ पे तो पानी का प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, पानी का प्रॉब्लम नहीं है, कम आता है, इतना नहीं है समझे। जैसे लातूर में है पानी का प्रॉब्लम, वैसे यहाँ नहीं है उतना पानी का प्रॉब्लम। जी जी, क्यों, यहाँ वीकली पानी 100% आता है। जी जी, और 3-4 तास पानी रहता है। जी, जी। और स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम भी बहुत कम है यहाँ पे, स्कॉलरशिप भी मिलता है। अच्छा। उधर समस्या बोलते थोड़ा सा रोड का वगैरह प्रॉब्लम्स तो है, रास्ते रोड का वगैरह, क्योंकि जब हम लातूर से बीड आ रहे थे तो रास्ता बहुत ख़राब था, बहुत ख़राब था। 130 किलोमीटर जब हमने सोलापुर से लातूर तय किया, 2-2.5 घंटे में हो गया था, यहाँ हमें 4.5 घंटे लग गए। वही गाड़ी थी, वही लोग थे, वही ड्राइवर। ऐसे ही तो सड़कें तो वाकई ख़राब थी, सड़कें तो वाकई थोड़े ख़राब है। हम मैम से बात करेंगे। मैम, आपका नाम? प्राध्यापक सुरेखा रत्नपारखी। आप यहाँ पढ़ाती हैं? हाँ, म्यूजिक पढ़ाती। क्या पढ़ाती हैं? म्यूजिक। म्यूजिक पढ़ाती है, वाह बहुत अच्छा बच्चा। क्या क्या पढ़ाती है आप म्यूजिक में, किस तरह से पढ़ाती हैं? क्लासिकल, लाइट म्यूजिक जी, फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक, सब इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल पढ़ाती हैं। कितने बच्चे होते हैं आपकी क्लास में? अभी BA के बहुत है ना, 60 बच्चे है। 60 बच्चे है हमारे यहाँ BA 2 MA तक म्यूजिक। अच्छा, म्यूजिक है एक, उसमें 60 बच्चे आते हैं। उनमें कितनी लड़कियाँ होती हैं? लड़कियाँ बहुत सारी होती है, बहुत सारी होती है। हाँ। तो भीड़ में परसेंटेज ठीक है जो लड़कियाँ म्यूजिक सीखना चाहती है? रिस्पॉन्स है, लड़कियाँ भी सीखती है, अच्छे घर के भी सीखती है, और जो लो स्टैंडर्ड मुझे गरीब खानदान के जो भी वो भी आते हैं। अच्छा, तो लड़कियों को ऐसे घर से दिक्कत नहीं होती कि तुम ये क्या कर रही हो म्यूजिक कोई, जैसे कि जनरली हमारे भारत में माइंडसेट होता है मिडिल क्लास जो लड़कियों को कहता है कि अगर पढ़ना ही है तो कुछ ढंग का पढ़ो, म्यूजिक को तो पढ़ाई मानते ही नहीं है, ऐसा कुछ होता है यहाँ? नहीं, अभी TV चैनल्स पे जो शो चल रहे हैं म्यूजिक के वगैरह, तो लोगों की बहुत सारी अट्रैक्शन बढ़ गया है ना संगीत के ऊपर, तो बहुत सारे लोग आते हैं सीखने को। अच्छा, यानी जो ये रियलिटी शोज चल रहे हैं इनका इस तरह से फायदा हो रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को म्यूजिक सीखने के लिए भेज रहे हैं। वेरी गुड। और आपके यहाँ लड़कियों को और किसी तरह की कोई दिक्कतें हैं जो वो टीचर्स के साथ शेयर करती हूँ? हाँ, हमारे साथ तो सब शेयर करते हैं, घर जैसे के क्या समस्याएं होती हैं उनकी, कभी आर्थिक समस्याएं होती है, कभी उनके फैमिली की समस्याएं होती है, तो सब हमको बताते हैं, तो हम सोल्यूशन निकालते हैं उनमें से। शहर में कोई घटना ऐसे जो उनको इनसिक्योर फील कराती हो, सड़क पे आते जाते किसी की वजह से उन्हें परेशानी होती है, ऐसे कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करती है लड़कियाँ? हाँ, सब शेयर करती है, किसी ने छेड़छाड़ की तो शेयर करती है, मैं महिला कक्षा में हूँ तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझसे शेयर करती है। तो एक महिला टीचर होने का आपको ये फायदा मिलता है? फायदा मिलता है जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपका। आप क्या करते हैं सर? मैं MSc केमिस्ट्री में पढ़ता हूँ। MSc केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ। आगे क्या करना है आपको? आगे मैं स्पर्धा परीक्षा की तैयारी भी कर रहा हूँ MSc के साथ साथ। तो आपकी पढ़ाई स्मूथ चल रही है, कुछ समस्या? समस्या ये है, तो इस क्षेत्र में बेरोजगार का बहुत बड़ा प्रमाण है, कि शिक्षण पढ़ाई करके भी कोई नौकरी नहीं मिलती,
यहाँ के बहुत बड़ी तरुण की ये समस्या रही है कि बीड सिटी की और आसपास के गांव की, कि तुमने तो देखा होगा कि यहाँ पे खेती में कोई दो तीन बरस हो गई दुष्काल जारी हो रहा है, और इसके वास्ते कि हम गांव से यहाँ रहते हैं, हमारे फादर खेती करते हैं, तो वहाँ पे पैसा हमको यहाँ पे जॉब नहीं मिलता, ये अच्छा। बड़ी समस्या है कि हमको खेती में कोई पैसा नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे कोई पार्ट टाइम काम करके यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। पार्ट टाइम काम कर रहे हैं आप? खुद करते हैं? हाँ मैं खुद। क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर पे वहाँ पे काम करता। आप डॉक्टर के पास एक काम करते हैं, तो उसके उससे जो आमदनी होती है वो आप अपनी पढ़ाई में यूज करते हैं? क्या करेंगे फिर, ऐसी बीएससी करके भी कोई यहाँ पे जॉब नहीं मिलता। और अच्छा आपका वोट है? हाँ वोट है सर। आप इस बार वोट करेंगे तो क्या सोच कर वोट करेंगे? मैं तो देखे 72 साल हुए अपने स्वतंत्र को जी, कि आपने देखा कि हमारा मेन क्षेत्र रोजगार और रोजगार नहीं मिल रहा, और रोजगार के वास्ते हम तीसरा पर्याय नहीं उड़ेंगे। देखे आज तक जो शासकीय है वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या भाजपा हो, ऐसे सत्ताधारियों ने हमको लूट है, क्योंकि बेरोजगारी को बड़े समस्या निर्माण की वाली है, तो हमने तीसरा पर्याय यहाँ पे नहीं उड़ेंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी को हम यहाँ से मत डालेंगे। तो आप जो तीसरा पर्याय चुनेंगे आपको उन पर भरोसा है? प्रकाश जी अम्बेडकर पे भरोसा है हमको कि वो बेरोजगारी की समस्या हमारी दूर करेंगे, और उन्होंने देखा है कि जो दलित पिछड़ों लोग है वो से ज़्यादा ज़्यादा उनको बेरोजगारी है वहाँ पे, तो वो बेरोजगार की हमको मालूम है कि वो ज़्यादा ज़्यादा बेरोजगारी की और खेती की समस्या दूर करेंगे। अच्छा, तो आपको भरोसा है कि वंचित आघाड़ी जो है अगर वो सत्ता में आती है तो आपकी ये समस्याएँ दूर हो जाएंगी, रोज़गार मिलने लग जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, प्रकाश अंबेडकर दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, सोलापुर से और अकोला से, और उनके साथ MIM भी हैं, ठीक है, और कौन कौन है उनके साथ? MIM है और सतीश यादव बहुजन सेना, यह नई पार्टी अगली वो बीड में है, वो बड़ी जोर से काम कर रही है, वो उनका क्षेत्र भी बड़ा अच्छा है, वो हर दलित लोगों को, ग्रामीण लोगों को, तरुणों को एकजुटा कर रही है, वो भी उनके साथ काम कर रही है, और गांव-गांव में देखे के लोग जो भी हो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो तो पीछे घर से वो उनको सपोर्ट करेंगे। है मुझे तो ये जो पुरानी पार्टियां हैं इनमें आपका कोई विश्वास नहीं बचा है? नहीं बचा है। वजह? क्योंकि बचा है कि मैंने देखा कि कितने MSc पढ़े विद्यार्थी है उनको बेरोजगारी मिल रही, वो देखे हमने तो 5 बरस हो गए शासन ने कोई शासकीय रोजगार की नहीं की, और आग लोकसभा की निर्णय लगी तो उन्होंने 12,000 ग्रामीण रोजगार को वो जगह निकली, और पुलिस भर्ती भी देखे तुमने कि पुलिस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण भागों के लोगों के खेती के पढ़ाई करने वाले हमारे युवकों को पुलिस भर्ती में चांस रहता है। लेकिन फिर इसी शहर से प्रीतम मुंडे को रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल हुई थी पिछली बार, लगभग 7 लाख वोटों से, जो कि भारत के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, तो कैसे यह मुमकिन हो पाया? सर हमारे राष्ट्रीय नेता गोपीनाथ राव जी मुंडे साहब जी, इनको सब देश मालूम है, और उन्होंने गरीब को पिछड़े वर्गों को लिए काम किया है। अच्छा, और उसी के साथ वो उनका निधन हुआ, वो उनके निधनों की लाट थी कि वो हमारे नेता थे, वो राष्ट्रीय नेता थे, उनको पहले कैबिनेट मंत्री पद चुना गया, उपनेता थे, इसके वास्ते कि हम वो सहनशील वो उनके निधनों की वो लाट थी कि उस लाट में उन्होंने सभी लोगों ने एकजुटता मतदान किया, और डॉक्टर प्रीतम ताई मुंडे ने। आपका मुंडे जी में भरोसा था पर उनकी बेटी में नहीं वो भरोसा जम पा रहा है, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगार की उन्होंने ज़्यादा ज़्यादा समस्या बेरोजगार को ख़त्म करी, और तरुणों को रोजगार बीड सिटी में दे, और रेलवे के उन्होंने आश्वासन दिया तो वो जल्दी जल्दी यहाँ पे बीड पे लाओ, और हमारे जैसे तरुण बेरोजगार को रोजगार मिले, ये हमारी अपेक्षा है। आपका क्या नाम है? किशोर। किशोर, आपने अभी एग्ज़ाम दिया है? हाँ। कौन सा पेपर था आपका? BSc का, BSc फिजिक्स। कैसा गया? स्मूथ? हाँ अच्छा सर। करके आया? बहुत बढ़िया। अच्छा तो एक बात बताइए, आपको बनना क्या है आगे? आगे क्या, मैं भी यूट्यूबर हूँ आपकी, जैसे कि आप लल्लन टॉपर है ना। अच्छा आप भी यूट्यूब पर हैं, क्या करते हैं आप यूट्यूब पर? यूट्यूब पर जाइए, लोगों को एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करता हूँ। एंटरटेनमेंट करने की कोशिश, क्या करती है जरा करके दिखाइए। नहीं नहीं वैसे नहीं, मतलब क्या कुछ बोलते होंगे, कुछ कहते होंगे। रोस्टिंग का पिछला वीडियो कौन सा बनाया था आपने? पिछला वीडियो रोस्टिंग बनाया था, रोस्टिंग का बनाया था। किसको रोस्ट किया था? वे पाकिस्तान का मीडिया। अरे गुरु, पाकिस्तान की बात चली है, यहाँ सब युवा हैं, यहाँ कितने लोग सोचते हैं
कि हमें पाकिस्तान के साथ हमेशा लड़ाई की पोजीशन में रहना चाहिए, उन पर चढ़ के रहना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए, न कि हमारे देश में रोज़गार हो, सड़कें अच्छी हो, घर में 24 घंटे बिजली आती हो, पानी आता हो, सब ठीक ठाक चले। पाकिस्तान छोटा देश है, अपनी ज़िंदगी जीता रहेगा। कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें खुद पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पाकिस्तान पर नहीं? हाथ खड़ी कीजिएगा ज़रा। अच्छा, इतने लोग हैं जो सोचते हैं, आप आइए आगे। लेकिन आप, हाँ आप बताइए। लेकिन सब बात ठीक है, सबको अच्छा लगता है कि आपने शांति से रहे, आपने सब सुविधा मिली, आपने एक शिक्षण मिले, आपने को रास्ते मिले, अच्छी सड़कें मिली, आस्था पार सब ठीक है। लेकिन हमारा जो शेजारी देश है पाकिस्तान, पड़ोसी देश जो है, वो पाकिस्तान क्या करता है, बिना कारण अपने हमले करता। अभी जो पुलवामा का बिना कारण, आप बिल्कुल, आज तक इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं कि भारत ने बिना कारण उस पर हमला किया, बिना वजह हमला, वो बिना कारण करते हैं। इसलिए उनको एक सड़े तो उत्तर मिलना चाहिए, और उत्तर इतना बड़ा होना चाहिए कि अगली बार उनकी हरकत भी होनी चाहिए कि भारत की तरफ आग उगड़। तो उत्तर देती तो है सरकार जब ऐसा कुछ होता है। आपका सवाल ठीक है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसका विचार भी अच्छा है। लेकिन मेरा कहना यही है कि आपका विचार अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन भारत का ऐसा बड़ा उत्तर होना चाहिए कि पाकिस्तान की आँखें भारत की तरफ कभी उठनी नहीं चाहिए। और हमको सबको अब आज के इस घड़ी में, इस 21वीं सदी में, सबको ये लगता है कि सब सुखी शांति से रहे, सब अपना अपना देखे, अपनी अपनी लाइफ जीते रहे, सब हैप्पी रहे, मैं हैप्पी रहूँ, आप हैप्पी रहे, ऐसा सबका विचार है। लेकिन जो आतंकवादी लोग हैं, जो पाकिस्तान में रहते लोग हैं, पाकिस्तान सरकार पूरे आतंकवादियों को खिलाती है पैसा, उनका संभाल कर देखभाल करती है। अभी आपने बीच में लेकिन बोला, मेरा सवाल ये है कि लेकिन क्यों ज़रूरी है? क्या दोनों काम नहीं हो सकते? दोनों काम सरकार के, सरकार एक्सटर्नल भी संभाले, इंटरनल और ज़्यादा अच्छी तरीके से संभाले। क्यों हमें दो ऑप्शन में से एक चुनना है कि भाई या तो पाकिस्तान को ठीक रखो या हमको ठीक रखो? आप सरकारों से ये क्यों नहीं पूछते कि भैया आप ठीक है, करो पाकिस्तान का जो करना है, पर हमें तो रोज़ी रोटी दो, इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कोई नहीं है, ऐसा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी अगर ये हुआ तो। इसके लिए बीजेपी सरकार प्रयत्नशील है। सरकारें कोई भी हो, बीजेपी नहीं, आज बीजेपी है इसलिए बीजेपी से सवाल है, कल कांग्रेस आएगी या पहले कांग्रेस रही है उनसे भी ये सरकारों से सवाल है कि भाई क्यों हुआ था इतनी जंगे पाकिस्तान से जो होती है? आप नैरेटिव सारा उधर क्यों ले जाते हो? आप 70 साल में कांग्रेस ने अगर कुछ नहीं किया है तो उनसे पूछा जा रहा है ना, बीजेपी नहीं करेगी उनसे भी तो पूछेंगे ना, सभी से पूछेंगे। भाई हम लोग, आम लोग, हमें हमेशा सरकारों से सवाल पूछते रहना चाहिए, सरकारों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। ये हम लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब हम सरकार के विरोध में हो, कोई भी पार्टी हो। क्या आप ऐसा समझते हैं? समझते बिल्कुल। आप किसी सरकार को डिफेंड करना चाहते हैं, किसी भी? डिफेंड की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी हो, अच्छा, अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो शांति लाती है, विकास लाती है, समृद्धि लाती है, अगर हम सबका विकास हो रहा है, अपना देश आगे बढ़ रहा है, अपना देश लग महासत्ता बन रहा है, तो अच्छी बात है। उनका बिल्कुल यही हम चाहते हैं, सबकी इच्छा यही है। हमारी भी जो भी सरकार आएगी, अगर बीजेपी सरकार नहीं आई तो मैं किसी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, वैसी बात नहीं, मेरा सपोर्ट व्यक्ति को अलग जगह भी हुआ, लेकिन जो भी लाएगा अच्छी बात को, उनको हमारी शुभकामनाएं, ऐसी सरकार, हमारी नेशन फर्स्ट, बिल्कुल नेशन फर्स्ट। हमारे शिवसेना के पक्ष, शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, मैं जब भी भाषण करता हूँ पहले जय हिंद कहता हूँ, बाद में जय महाराष्ट्र कहता हूँ। बिल्कुल, तभी अपने, हमारे लिए सबसे पहले देश है, देश अगर शांति से आगे बढ़ रहा है, अपना देश इस जग में अपना नाम आगे लेके जा रहा, तो सब कौन सी भी सरकार हो, हमारी हो, किसी की हो, कांग्रेस की हो, राष्ट्रवादी को, कौन सी भी हो, हमारे तरफ से शुभकामना है, ऐसा करे और भारत को आगे लेके जाए, बस इतनी। बिल्कुल, हमारे साथ बाजी प्रभु भी है, सुबह से हमारे साथ है, हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, काफ़ी जहीन नौजवान हैं, थोड़ा इनसे इंसाइट लेते हैं। आप बताइए, जो इन भाई साहब ने कहा अभी, आप उनसे सहमत हैं? हाँ सहमत है। अच्छा, किन किन बातों से? डेवलपमेंट, अभी आपने जो बोला था कि जो लातूर बीड जो है जी, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है जैसा, आप यहाँ से जब औरंगाबाद जाएंगे, आपका नेक्स्ट स्टेशन औरंगाबाद है, आप देखना रोड्स वहाँ पे कैसे है। मैंने नोएडा के देखे, ग्रेटर नोएडा के देखे, दिल्ली के देखे, आपको वैसा ही फील होगा यहाँ पे जब आप बीड से औरंगाबाद के रस्ते जाएंगे जी। मैंने मेरे बचपन से देखा है, मैंने जी, मेरे पापा कांग्रेसी है, वो कांग्रेस के आधार से मैंने सपोर्ट करता, क्योंकि मुझको, मैंने घर में देखा है, उनका जो बायस व्यू है सब सब तरीके सा, यानी घर में ही दो गुट हैं। हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं, मतलब उन्होंने मुझको ये दिया, फ्री स्पेस दिया कि आप जो आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है आप उसको फॉलो करिए। अच्छा। मैंने मुझको जो पसंद आ गई, यही तो लोकतंत्र है ना, सबको अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझको, मैंने इम्प्रेस हुआ इनके, मैंने 3 साल पहले मैं बीजेपी के साथ नहीं था, जब मुझको समझ में आ गया, मतलब मैंने जब 16 पार किया तो कुछ समझ में आ गया कि क्या क्या काम होता है, फिर पढ़ा तो समझ में आ गया कि इनका काम अच्छा हो रहा है, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा है, पर एक है कि बीड में जॉब्स नहीं है, ये सवाल डेफिनेटली पूछना चाहिए,
और ये सब लोग पूछते भी है, ये रियलिटी है। मोदी जी ने भी कहना चाहिए कि हम दे देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पे मैंने देखा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यहाँ से मैक्सिमम माइग्रेट हो रहे हैं, पूना औरंगाबाद सब माइग्रेशन चालू है यहाँ से। यहाँ पे जॉब्स चाहिए। अभी यहाँ पे एक सूत गिरनी ओपन हुई लोकल MLA, उन्होंने किया, उन्होंने दिया रोजगार दिया उनके कॉलेजेस है, मतलब पर सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। तो ये सब यहाँ पे मेन रोजगार का मुद्दा है, बाकी का एजुकेशन कम ज़्यादा हो रहा है यहाँ से, क्योंकि पूना यहाँ का ईस्टर्न यहाँ का ऑक्सफोर्ड है इंडिया का। पूना में मैक्सिमम लोग माइग्रेट करते हैं, 12th के बाद सब पूना में जाते हैं। पूना में नहीं जाने चाहिए, इसके लिए भी यहाँ पे एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का तो काम हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ अब ये नहीं है कि क्योंकि सभी रोड बन गए हैं, सिर्फ एजुकेशन और जॉब्स ये दोनों पे फोकस करना चाहिए। ये सब ये मेन मुद्दा उनका ये फोकस ही रहना चाहिए। और क्वेश्चन जो पूछना चाहिए, क्योंकि अब क्या हो रहा है मैं देखता हूँ, मैंने BJP की साइड ली तो मैं भक्त हो जाता हूँ, मैंने कांग्रेस को सवाल किया तो भी भक्त हो जाता हूँ, कांग्रेस की साइड ली तो मैं पप्पू बन जाता हूँ, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल क्वेश्चन पूछना चाहिए सभी ने, क्वेश्चन पूछना चाहिए। KSK कॉलेज के नौजवान इस बात का महत्व समझते हैं, हमें खुशी है। वो अपने उनके दिमाग में है कि उनको किसको सपोर्ट करना है, किस पार्टी के साथ जाना है, पर साथ ही साथ वो इस बात का महत्व भी समझते हैं कि सवाल पूछने की अहमियत अपनी जगह है और हमेशा रहेगी। एक लोकतंत्र मजबूत इन्हीं चीज़ों से होता है। हम बीड़ के KSK कॉलेज में हैं, अभी हम और शहर में घूमेंगे, आगे हम औरंगाबाद जाएंगे, वहाँ से बारामती जाएंगे। आप हमें मैसेज करते रहिएगा। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप, कैमरे के पीछे सदा अपने असली सुझाव के साथ रजत सेन।